रहीम, मैं तहरीक इंसाफ के तमाम नौजवानों, बुजुर्गों, साथियों, इमरान खान के टाइगरों का आज गुजरांवाला ने फिर एक दफा कायदे इमरान खान के कारवां की तारीख रकम की। मैं आप सबका दिल की अथागराइयों से शुक्रगुजार हूँ। इन नौजवानों को सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने 10 से 12 किलोमीटर पैदल चल के इस रैली को खूबसूरत बनाया। आपकी अजमत पाकिस्तान को आपकी जरूरत है। इमरान बेग साहब, आपकी टीम को, उमर फारूक गोंडल साहब, आपकी टीम को, तहरीक इंसाफ के एक एक कारकुन को सलाम पेश करते हैं। ये जदोजहद आप पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, ये जदोजहद पूरी कौम तारीख लिखेगी आपकी। कि जब एक जालिमों का टोला इक्तदार में आया, इक्तदार से पहले ये रुपये महंगाई करते थे, आज ये सारे डाकू पाकिस्तान के इक्तदार के ऊपर काबिज हो गए। बैकडोर चैनल से इंपोर्टेड हुकूमत बनी। आपके दिए हुए वोट, आपकी दी हुई ताकत, आपके इमरान खान को, मुल्क के मुखलस लीडर को, जिसने 23 अरब डॉलर इस पाकिस्तान के खजाने में छोड़ा, साजिश करके आपके वजीर आजम को निकाला, आज लोग आटा हासिल करने के लिए लाइनों में लगे हुए हैं। माएं, बेटियां, बहनें बिजली का बिल देने के लिए लाइनों में लगी हुई है। किसी के पास गैस नहीं है, पेट्रोल की कीमतें आसमानों को छू रही है। पाकिस्तानी बस से पुकार रहे कि निकलो बाहर, कौम इमरान खान के साथ है। उसका वाजिया सबूत है मेरे पाकिस्तानियों, आपके पंजाब में 20 इलेक्शन हुए,
कौम ने आपको वोट दिया, आपके कप्तान को वोट दिया। पाकिस्तान में 9 सरबाजों ने 11 हल्के इस राजा परवेज अशरफ ने चुन के इलेक्शन कमीशन के साथ 11 में से 9 आपका कप्तान जीता। जब इलेक्शन कराची में आता है ये भाग गए आपके कप्तान के वोट की ताकत की वजह से। इलेक्शन इस्लामाबाद में आया ये भाग गए आपके कप्तान की वजह से। सिंध में जरदारी की हुकूमत है वो वहां बल जाती, इलेक्शन नहीं चाहता। इस्लामाबाद में पीडीएम की हुकूमत है ये वहां इलेक्शन नहीं चाहते। ये मेरे दोस्तों साथियों तरीके इंसाफ गुजरांवाला के गयूर आवाम ये चाहते हैं कि क्यामत तक ये असेंबली चले। अब कहां गया वो झूठा बयानिया वोट को इज्जत है, वोट की इज्जत गई भाड़ में। सारे चोर नैब को खत्म करके अपने केस खत्म करके 1100 अरब का मेरी कौम के साथ डाका मारा, मेरे आपके कप्तान को गोलियां मारी, मेरे आपके कप्तान का रास्ता रोकने के लिए पीडीएम इतारे सारे एक हो गए मेरे आपके कप्तान के रास्ते को रोकने के लिए। कोई माई का लाल ये जुलत नहीं कर रहा कि इलेक्शन का नाम ले ले। इलेक्शन जमहूरियत का हुसन है, कौमें हमेशा फैसला करती है कि इकतदार हमने किसकी सुपुर्द कर रहे हैं। अब इकतदार डाकू राज बन गया, इकतदार में डाकू आके बैठ गए, कोई परवाह नहीं। पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है, 10 लाख के करीब पढ़े लिखे पाकिस्तानी मुल्क छोड़ के बाहर चले गए। पाकिस्तान में मल्टी नेशनल कंपनियां बंद, फैसलाबाद की इंडस्ट्री बंद, कराची की इंडस्ट्री बंद, लाहौर गुजरांवाला की इंडस्ट्री बंद होने जा रही है। पाकिस्तानियों आवाज उठाओ, इमरान खान का बाजू बनो, इमरान खान के लिए बाहर निकलो। ये तारीख लिखी जाएगी जब आप निकलेंगे लोग श्रीलंका को भूल जाएंगे, जब आप निकलेंगे लोग इंडोनेशिया के रेवोल्यूशन को भूल जाएंगे, जब आप निकलेंगे तो लोग हर जगह के इकट्ठे होकर आगे आगे आएंगे। बदलने के लिए एक ईमानदार लीडर है, एक ईमानदार लीडर जिसके खिलाफ सारे इदारे सारी पार्टियां मिलके रोज उसको नाहल करने के लिए जेल भेजने के लिए 100 से शायद हर बे इस्तेमाल करते हैं। हर शाम नाकामी होती है, हर शाम बेडोरा फूटता है, हर शाम बेलाज लूटते हैं, हर रोज नाकामी सामने आती है। सिर्फ एक सहारा है कि किसी तरीके कोई ऐसा रास्ता मिल जाए कि हम इमरान खान का रास्ता रोके। मेरे पाकिस्तानियों आगे बढ़ो, पाकिस्तान को बचाना है। पाकिस्तान जिंदाबाद। जागो जागो जागो।